अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन महमूद खान, जिला परिषद उर्दू गर्ल्स स्कूल यावल से। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजे हैं। इन नेमतों में एक नेमत वक्त है। प्यारे बच्चों, हम वक्त का तय्यन करने के लिए, वक्त देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि इन घड़ियों को हम तक आते आते सैकड़ों बरस लग गए। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हर काम वक्त पर करना चाहिए। इसीलिए हम हर काम वक्त पर करने से पहले घड़ियों को जो है देखकर काम करते हैं। कितने बजे उठना है, रात में कितने बजे सोना है, स्कूल कितने बजे जाना है, कितने बजे घर वापस आना है। क्या आपको पता है कि इन घड़ियों को हम तक आते आते सैकड़ों बरस लग गए। जमाने कदीम के अंदर वक्त देखने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया जाता था, सूरज की मदद से वक्त देखा जाता था। उसके बाद में रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा, रेत घड़ी के बाद में पानी की घड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। घड़ियों का ये सिलसिला 16वीं सदी तक जो है चलता रहा। 16वीं सदी के बाद में नई नई घड़ियों की जो इजादत होती गई। इसी तरीके से 19वीं सदी तक आते आते घड़ियां, जदीद घड़ियां बनाने का ये अमल तेज तर होता गया। आज हम बच्चों जो घड़ियां इस्तेमाल करते हैं, घड़ियों की काफी किस्में हमारे सामने जो आज दस्तियाब है। डिजिटल घड़ी, हाथ घड़ी, घंटा घड़ी, ऐसी कई घड़ियों का जो है हम इस्तेमाल करके वक्त का जो तय करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि वो घड़ी की मदद से जो है वक्त किस तरह देखा जाता है।